हेलो एवरीवन, आज हम लोग करेंगे स्टेम स्टिच, जो जनरली जो है किसी बेल या उसके अंदर जो है स्टेम को बनाने के लिए जनरली इसका इस्तेमाल होता है। कुछ कुछ जैसे हमने बैक स्टिच किया था करीब करीब वैसा सा ही कुछ होता है। तो इसको जैसे आपने नीचे से ये थ्रेड निकाल लिया है, ये मैंने स्टार्ट कर दिया था, तो इसको आपने नीचे से मान लीजिए ऐसा थ्रेड निकाल लिया और फिर उसको आप इस तरीके से अंगूठे में, आपके लेफ्ट अंगूठे में इसको लीजिए और इसको उल्टा करके पीछे की तरफ इसको इस तरीके से निकाल लें। ठीक है, यस, ठीक है, बहुत सिंपल है। फिर आपने इसको ऐसे अंगूठे में दबाया और आपने अगर लाइन लगा रखी है, जो भी नीचे आपका ड्रॉ किया हुआ है, इसको यूँ लिया आपने और आप एक उल्टा स्टिच पीछे की तरफ एक स्टिच इस तरीके से निकाल लेते हैं। ये इस तरीके से आपका स्टेम स्टिच बनता जाता है। ठीक है, फिर से मैं इस थ्रेड को अपने इस तरफ लेके और अंगूठे में दबाऊंगी और ये सुई को आगे से पीछे की तरफ और इस तरीके से हम इसको निडल को निकाल लेंगे। ये बहुत सिंपल है ना। इसको मैं थोड़ा सा स्ट्रेच करूंगी, लूज हो रहा है ये। ओके, फिर से बता रही हूँ, जैसे मान लीजिए आपने ये धागा नीचे से निकाला है, स्टार्टिंग अगर हम कर रहे हैं तो आपने लेफ्ट साइड में अंगूठे में इसको दबा लिया है एंड आप इसको सुई को, ये जो आपका डिज़ाइन बना हुआ है, इसके आगे की तरफ से पीछे की तरफ ऐसे जहाँ तक आपका पहले टांका लगा हुआ है उस तक आप इसको निडल को ऐसे निकालेंगे और इसको दबाकर ही रखेंगे जब तक कि आपका पूरा थ्रेड निकल नहीं जाता। ओके, डन। और बता देती हूँ, फिर से हम आगे से पीछे की तरफ ये यहाँ तक ले लेंगे और इसको, यस, ओके, ये आगे से ये अंगूठे में दबाया, फिर ये ऐसे लिया और इसको फिर से इस तरीके से, ठीक है, फिर से अंगूठे में दबाएंगे और ये ऐसे बैक में इसको स्टिच को लेकर और इसको आप निकाल देंगे। ठीक है, फिर से अंगूठे में दबाएं, ये इस तरीके से इसको करके और आपने फिर से इसको आगे निकाल दिया था। ठीक है, ये यूं, ये, ठीक है, तो ये आपका स्टेम स्टिच रेडी हो गया। जनरली हम जो बेल बूटी बनाते हैं तो उसमें जो स्टेम है उसको बनाने के लिए जनरली इसका यूज़ करते हैं। आप ग्रीन थ्रेड, है ना, ऑलिव ग्रीन, अलग अलग ग्रीन्स, जो भी आपका पैटर्न है, ब्राउन, आप उसके अकॉर्डिंग ये कलर के धागे चूज़ कर सकते हैं। मैंने रेड लिया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये स्टेम स्टिच, इसीलिए इसका नाम पड़ा है क्योंकि जनरली ये स्टेम्स बनाने के काम में आता है। ठीक है, ये इस तरीके से, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल है, सुई को पीछे की तरफ बढ़ाते जाना है, टांका लगाते जाना है आपको अपने अंगूठे में इसको दबा कर। ठीक है, ठीक है, ये, ठीक है, अब हम इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। अब हम एक नया स्टिच करेंगे आज। जिसे हम कहते हैं फ्रेंच नॉट। ठीक है, फ्रेंच नॉट जो है जनरली फ्लावर्स बनाने के काम में लिया जाता है। फ्लावर्स या छोटे छोटे जैसे कहेंगे कि बड्स बनाने के लिए, फ्लावर की जो बड्स होती हैं, क्या बोलते हैं, कलियां जो हैं उनको बनाने के लिए, है ना, छोटे छोटे पैटर्न, ये आप देखेंगे इस तरीके से ये नज़र आएगा। ठीक है, तो हम ये करते हैं, जैसे हमने स्टार्टिंग कर रहे हैं, ये सुई निकाल ली इस तरीके से। ओके, अब जो है जहाँ से आपने सुई निकाली है आप वहीं से बिल्कुल पास से छोटा सा ऐसा ऐसे आप सुई को निकाल लेंगे। ठीक है, पूरी नहीं निकालनी है। अब इसके ऊपर आपको इस धागे को लपेटना है, 1 2
3 and 4। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा लेंगे। हम और ले लेते हैं, 4 के बाद 5, 6, ठीक है। ये ऐसे लिया, धागे को बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं करना, नहीं तो हमारी सुई उसमें से निकलेगी नहीं, ठीक है। इसको यूँ दबा कर मैं पूरा धागा खींच लूँगी, ओके। ये ऐसे मैंने खींच दिया, अंगूठे से मैंने उस स्टिच को दबा रखा है। अब आप देखेंगे ये, अब इसको मैं जहाँ से मेरी सुई निकली थी वहीं पे मैं इसको वापस से दबा दूँगी, सुई को वापस नीचे ले जाके सामने की तरफ जहाँ और आपको इस तरीके का बनाना है वहाँ सुई आप निकाल लीजिए और इसको यहीं पर दबा दीजिए, ठीक है। ये इस तरीके से, ये ऐसे गांठ जैसी लग जाती है, इसको हम बोलते हैं फ्रेंच नॉट, ठीक है। अब फिर से मैं आपको बनाना बता रही हूँ, आई होप ये क्लियर होगा आपको, ठीक है। ये देखिए ये धागा निकला हुआ है, इसके पास से ही मैं ये सुई को ऐसे निकाल लूँगी आधी, ठीक है। ये मेरी आधी सुई निकल गई है। अब इसके ऊपर मैं इस थ्रेड को 6 times रैप कर दूँगी, बहुत टाइट नहीं करना है, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। आप बड़ा भी ले सकते हैं, इसको बड़ा भी बना सकते हैं। अब मैंने जहाँ पे धागा लपेटा है उसको मैं अपने अंगूठे से ऐसे दबा रही हूँ और इस निडल को आगे से इस तरीके से निकाल दूंगी, जिसमें से मेरा ये पूरा धागा जो है इस तरीके से निकल जाएगा। इसको दबा के रखना है और इसको पूरा धागा अच्छे से खींच जाए, ये देखिए इस तरीके से। और इसको आप देखेंगे यहीं पे आपको वापस नीचे दबा देना है, ओके। ये एक और नॉट आपकी बनके रेडी हो गई है, ठीक है। इनको भी आप अलग अलग डिज़ाइंस में, जो फ्लावर बनाते हैं उसके बीच में जो अपन ऐसे ऐसे डॉट्स बनाते हैं, जैसे सनफ्लावर बनाना है तो उसके लिए आप ये इस तरीके से फ्रेंच नॉट का जो पैटर्न है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। मैं फिर से एक निकाल रही हूँ, इस तरीके से सुई निकाल ली मैंने ऊपर, ठीक है। अब इस सुई जहाँ से धागा निकला है उसके बिल्कुल पास से ही मैं वापस से इसको इंसर्ट करके और वापस बाहर पास से ही निकाल लेती हूँ, आधी सुई बाहर निकाल लेती हूँ, ठीक है। और इसके ऊपर 6 times इसको रैप करती हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ओके। इसको इकट्ठा करके और मैंने इसको अपने अंगूठे से दबा दिया और इसको सामने से इस तरीके से निकाल लिया, ओके, ठीक है। अब इसी को, इसको वापस उसी जगह पर हम ऐसे अंदर की साइड में प्रेस कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्या बन गई है, फ्रेंच नॉट, फ्रेंच नॉट, ठीक है। जब ये पूरा बन जाएगा तो मैं आपको इसके ऊपर इनके नाम लिखकर आपको व्हाट्सएप कर दूंगी, जिससे आपको इसका ध्यान रहेगा कि कौन सा है, ठीक है। तो इसको मैंने वापस से निकाला सिमिलर डिस्टेंस पे, ठीक है। अब मैं एक छोटा इसके पास से अंदर डाल के फिर सुई को आधा बाहर निकाल लेती हूँ और इसके ऊपर 6 times रैप करूँगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। फिर इसको अंगूठे से ऐसे दबा के और अब मैं अपनी सुई को वापस ऐसे निकाल लूँगी, ठीक है। हमारा धागा थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि उलझने नहीं पाए। जब आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, अभी आप कॉटन के थ्रेड से प्रैक्टिस करिए, जब आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए तो आप सिल्क के धागे या रेशमी धागे भी आते हैं, आप उनका प्रयोग भी कढ़ाई के अंदर कर सकते हैं। सिल्क के जो थ्रेड होते हैं रेशमी धागे, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, उलझ जाते हैं बार बार, है ना, बहुत डेलिकेट होते हैं, टूट भी जाते हैं। तो जब तक हमें पूरी प्रैक्टिस नहीं हो तो हम उनका प्रयोग नहीं करते। तो ये हमारी फ्रेंच नॉट जो है ये रेडी हो गई है, ठीक है। एक और बना लेते हैं, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ये मैंने यहाँ से इसको निडल को निकाल लिया है बिल्कुल पास से, बहुत छोटा सा, जितनी हमारी नॉट है बस उतना ही मान लीजिए कि डिस्टेंस इसका रखेंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। इसको ऐसे दबा दिया हमने और ये निकाल लेंगे और इसको वापस उसी जगह पर दबा देना है जहाँ से सुई निकली थी, उसी जगह पे हम इसको वापस डाल देते हैं, तो ये वहाँ पर एक गठान की जैसी बन जाती है, ठीक है। ये
अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कितना बड़ा कैसा बनाना चाहते हैं, ठीक है। ये जो फ्रेंच नॉट है इसी का एक वर्जन है, लॉन्ग फ्रेंच नॉट कह सकते हैं उसको हम, ठीक है। तो ये जो लॉन्ग नॉट है इसको भी अलग अलग पैटर्न्स के लिए आप फ्लावर्स बनाने के लिए या इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, ओके। तो मैं पहले थोड़ा सा अपना ये रिंग शिफ्ट करती हूँ, इसको बीच में लेते हैं हम, या हम पहले लेज़ी डेज़ी कर लेते हैं, आपको ये कंफ्यूज नहीं करेगा क्योंकि वो दोनों नॉट सिमिलर हैं। तो पहले मैं आपको लेज़ी डेज़ी बता देती हूँ, बहुत सिंपल होता है लेज़ी डेज़ी, क्योंकि हमने चेन स्टिच कर लिया है। तो चेन स्टिच का ही एक और इम्प्रूव्ड वर्जन है लेज़ी डेज़ी। लेज़ी डेज़ी स्टिच जो है इसको आप फ्लावर्स बनाने के प्रयोग में लाते हैं। जो आपने चेन स्टिच किया था ना, आगे से धागे को घुमा के और उसके बीच में से निडल निकाल लेते हैं, ठीक इसी तरीके से लेज़ी डेज़ी बनता है, ठीक है। तो ये मैंने निडल यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से बाहर निकाल ली है, ठीक है। अब मेरे को मान लीजिए इस लाइन के इस तरफ मैं इसको ले लेती हूँ, इस तरफ मेरे को बनाना है। तो ये मैंने यहाँ पर जैसे अपन चेन स्टिच के लिए था ना, कि हमने चेन स्टिच के लिए क्या किया था, इधर से घुमा के इसको मैंने अंगूठे के नीचे दबा लिया है, ओके। ये ऐसा राउंड सा बन गया है। अब जितना बड़ा स्टिच बनाना है मैं उतनी डिस्टेंस पे निडल को उसी जगह से जहाँ से निकाली है वहाँ से डालकर और इसको बाहर निकाल लेती हूँ, ओके। ये ऐसे निकाल लिया, ये चेन बन गई, ये देखिए, ठीक है, ये चेन बन गई है ना। अब इस चेन को जब हमने चेन स्टिच किया था तो हम इसी को आगे एक लाइन की फॉर्म में कंटिन्यू करते जा रहे थे। अब लेज़ी डेज़ी को आपने जैसे ये एक चेन बन गई, इस चेन का ये जो थ्रेड आया इसको मैं यहीं पर एक थोड़ा सा आगे लेकर इसको दबा देती हूँ, यहीं पर निडल वापस से नीचे ले जाती हूँ, ओके। तो ये हमारा बन गया लेज़ी डेज़ी। कैसा है ये एक चेन और उसके ऊपर एक डंडी बाहर को निकली हुई, आई होप आपको अच्छे से नज़र आ रही है ना। ये एक चेन है और इसके ऊपर ये डंडी निकली। थोड़ा बड़ा मैंने इसलिए बनाया कि थोड़ा विजिबल हो अच्छे से, जिससे कि हम लोग जो बिगनर्स हैं उनको अच्छे से समझ में आया। मान लीजिए एक बेल बनानी है जिसकी दोनों तरफ ऐसे लीव्स टाइप है, तो वहाँ पे भी हम लेज़ी डेज़ी का यूज़ कर सकते हैं। अब मैं वापस से निडल को बाहर निकाल रही हूँ, ठीक है। अब ये फिर से मैं अब इस साइड पे बनाऊंगी, तो इस साइड पे लेकर और मैं फिर से इसको ऐसे है ना, ये या तो आप अंगूठे में दबा लीजिए या आप निडल को ऐसे निकाल के निडल के आगे से ऐसे घुमाकर और फिर निडल को यूँ बाहर निकाल लीजिए चेन बनाने के लिए, ओके। ये अब इसको आप यहीं पर दबा दीजिए, ठीक है। अब हम इसको आगे निकालते हैं और बना लेते हैं लेज़ी डेज़ी, ठीक है। ये इस तरीके से ये बन गया, ठीक है। और इसकी ये जो बीच की लाइन जा रही है आप इसमें भी आप स्टेम स्टिच या कोई भी स्टिच आप जो है इसका तना बनाने के लिए प्रयोग में ला सकते हैं। हम इसको पूरा कंप्लीट करके आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो ये वापस से मैं जहाँ से धागा निकल रहा है वहीं से निडल को इंसर्ट कर रही हूँ, अंगूठे में मैंने दबा लिया, या हम इसको सुई के आगे भी ले सकते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से ये चेन बन गई, ठीक है। इस चेन को हम यहीं पर दबा देते हैं थोड़ा सा आगे लंबा लेकर, ठीक है, जिससे ये पत्ती के आगे जो तीखा पार्ट रहता है तो ये उसकी शेप ले लेता है, ये देखिए, ठीक है। अब मैं इस साइड की बनाऊंगी, इस तरीके से आप पैटर्न बना सकते हो। किसी चीज़ का बॉर्डर बनाना है आपको तो आप वो भी इससे बना सकते हैं। ये सुई हमने यहाँ निकाल ली, ठीक है, और ये धागा सुई के नीचे ही है गोलाकार में, और इसको हमने निकाल के और इसको हम आगे की साइड इसे प्रेस कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। एम्ब्रॉयडरी को आप देख लीजिए, पर आप देखने के साथ साथ में अपने हाथ में एक कपड़ा सुई धागा लेंगे
और साथ में बनाएंगे तो आपको इजीली ये चीज़ जो है समझ में आएगी, क्योंकि आप अपने हाथ से करेंगे। लर्निंग बाय डूइंग का प्रिंसिपल यहाँ पर आप अपनाइए, आपको आ जाएगा, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अब फिर से मैं यहाँ पर एक बना रही हूँ लेज़ी डेज़ी, ये इस तरीके से, ठीक है। ये इसको ऐसे हम दबा देंगे यहीं पर। आप जैसे जैसे बनाएंगे तो आप हर एम्ब्रॉयडरी स्टिच के अंदर अपने वर्जन्स लेके आ सकते हैं। अब इसके बीच बीच में हम एक डिफरेंट कलर से यहाँ पे ये वाला जो नॉट स्टिच है इसको बना सकते हैं नीचे इसके, तो ये बहुत सुंदर लगेगा, है ना। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि आप अपने गारमेंट्स जो हैं आप उनको इस तरीके से और दोबारा से एक नयापन दे सकते हैं। आप लोग स्टिचिंग करते हैं, आप उसके ऊपर इस तरीके से हैंड एम्ब्रॉयडरी करके उसको एक नयापन दे सकते हैं, ठीक है। मैं आपको ब्लॉक प्रिंटिंग बताऊंगी, तो ब्लॉक प्रिंटिंग और एम्ब्रॉयडरी ये दोनों आप साथ में यूज़ कर सकते हैं अपने किसी भी गारमेंट के अंदर, ठीक है। ब्लॉक प्रिंटिंग करेंगे हम स्टेंसिल प्रिंटिंग करेंगे, तो ये इस तरीके से एक और बना लेते हैं। ये ऐसे हो गया, ठीक है, ये, और फिर मैंने इसको यहाँ पर दबा दिया। आज के हमारे ये 3 जो है एम्ब्रॉयडरी पैटर्न्स और हो जाएंगे। कौन कौन से किए थे हमने? हमने किया स्टेम स्टिच, फिर फ्रेंच नॉट, और अब लेज़ी डेज़ी, ठीक है। लेज़ी डेज़ी चेन स्टिच का ही एक वर्जन है। ये स्टिच आप अपने हिसाब से छोटे भी बना सकते हैं, मैंने यहाँ पर बड़े बनाए हैं जिससे थोड़ा विजिबल हो और आसानी से बन जाते हैं बिगनर्स के लिए, ठीक है। ये आई होप आपको ये समझ में आ रहा है और आप इसको ट्राई ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये चीज़ें जब तक हम खुद ट्राई नहीं करते हैं हम इसको समझ नहीं सकते हैं। क्योंकि आज हमें लगता है बहुत इजी है, हमें आ गया, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो आप इसको इजीली ही भूल भी सकते हैं, ठीक है। तो ये अब ये हमारा ये रेडी हो गया लेज़ी डेज़ी। अब कल मैं इसके ऊपर आपको जो है लॉन्ग फ्रेंच नॉट जो है उससे फ्लावर बनाना बताऊंगी। तो ये हमारा अपने आप में एक डिज़ाइन पैटर्न जो है ये रेडी हो जाएगा, या तो हम इनके यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है। तो ये है हमारा लेज़ी डेज़ी। आज के जो हमारे पैटर्न हैं वो हैं स्टेम स्टिच, ठीक है, स्टेम स्टिच जो हमने पीछे लेके किया था अंगूठे में दबाकर, और फ्रेंच नॉट, और ये लेज़ी डेज़ी, ठीक है। स्टेम स्टिच, फ्रेंच नॉट और लेज़ी डेज़ी। इधर हमने जो किए थे वो कौन कौन से हैं? रनिंग स्टिच सबसे सिंपल, बैक स्टिच और चेन स्टिच, है ना। इन सबको भी मिलाकर आप एक पैटर्न बना सकते हैं।